भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच मेहमान टीम ने जीत लिया है। तीन मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। मंगलवार को मोहाली में खेले गए मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत लिया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। वहीं इस 209 रनों के लक्ष्य का पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 विकेट से यह मैच जीत लिया। वीडियो को पूरा देखते रहिए, पूरी जानकारी देंगे किन किन कारणों से मैच हारा और मैच के बाद रोहित शर्मा ने क्या बयान दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैच हारने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बातचीत करते हुए भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, मुझे नहीं लगता हमने अच्छी गेंदबाजी की है। इस पिच पर 201 अच्छा स्कोर था जिसे डिफेंड किया जा सकता था। मैच के दौरान हमने कई मौके गवाए। रोहित शर्मा ने बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा, बल्लेबाजों ने अच्छी कोशिश की लेकिन गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया। रोहित ने आगे कहा, हमें कई चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि यह मैच काफी अच्छा रहा। रोहित ने कहा कि हमें मालूम है कि इस ग्राउंड पर ज्यादा रन बनते हैं, इसलिए 200 रन बनाने के बाद भी आप मैच को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का विकेट लेने में सफल रहे लेकिन उन्होंने काफी बेहतरीन खेल खेला। उन्होंने कई शानदार शॉट खेले। रोहित ने कहा, अगर मैं भी ऑस्ट्रेलिया की जगह पर होता तो मैं भी इन रनों को चेज करने के लिए जरूर सोचता और अंतिम 4 ओवरों में 60 रन बना सकते हैं। हमें विकेट लेने में सफलता नहीं मिली और इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा। आप हर मैचों में 200 रन नहीं बना सकते हैं। गेंदबाजी को लेकर रोहित शर्मा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगले मैच से पहले हमें गेंदबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवरों में बिना विकेट झटके 52 रन दिए। वहीं हर्षल पटेल ने 4 ओवरों में 1 विकेट लेकर 49 रन लुटाए। आपको क्या लगता है कि मैच किन कारणों से हारा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके पास क्रिकेट के अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले पहुंचाते हैं।